अरे बेटे हमारे यहाँ के लौंडे तो नहीं है रे, नहीं तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा रे। हैं मोबाइल को पहले तो इधर रख देता हूँ, माना वो गाना बहुत अच्छा चल रहा है। अरे मैं उसको थोड़े नया अंदाज पे गाता हूँ ना कि अरे फूंदो मेरी डार्लिंग, अरे मैं तेरा दीवाना रे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब वो अरे फूंदो मेरी डार्लिंग, मैं तेरा दीवाना रे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। हट मजा कहाँ आएगा। अरे फूंदो मेरी डार्लिंग, मैं तेरा दीवाना रे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। फूंदो मेरी डार्लिंग, मैं तेरा दीवाना रे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अरे पिकिया गोविंद लौंडे मेरे, पिकिया गोविंद लौंडे मेरे, पिकिया गोविंद लौंडे मेरे, कर दिए खाली खजाना रे, खजाना रे, खजाना रे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अरे बाप सुने थक गया गा। अरे जब भी करूं फोन तेरे को, जब भी करूं फोन तेरे को, 12 बजे रात को तू चली आना रे, तो मेरी डार्लिंग मैं तेरा दीवाना रे, बचपन का प्यार है मेरा। अरे बस रे बाप, मैं लौंडे आएंगे तो फिर कहेंगे हाँ भाई कूटता है ना, फिर कहता है कि मेरी कमर डर देती। अरे फूंडो मेरी डार्लिंग, मैं तेरा दीवाना रे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं। ए, ओ बाबू भाई क्या कर रहा है को? बचपन का प्यार मेरा भूल। अरे बंद कर रहे को तू बजा रे। अरे बंद कर ना बाबू, उधर खेत में लड़ाई हो गई भैया भाभी की। किसकी? दोनों ने एक दूसरे को बम पटका पुटकी करेंगे। हाँ तो कोई नहीं बाढ़ रहे, बड़े मुश्किल से मैंने उनको छुड़वाया। भाभी को उधर किया और भैया को भी अलग अलग किया दोनों को। तू काय के लिए होगा तुम्हें? अरे क्या मालूम उनकी कैसी कैसी हुई। मैं तो काम कर रहा था खेत में तो अभी उनको अलग अलग कराया मैंने। अरे भाभी को लेके आया इधर घर तरफ। हाँ। तो भाभी ने भी मेरे को रास्ते में चपचपा के मारी। देखो मार दी आओगो, देखो मार दी। और वो गोविंद भैया पीछे दौड़ के आया। हाँ। मेरे को मारी, कह के उसको भी अच्छी जोर जोर से मारा। अरे इनकी ऐसी तैसी इनकी, काको लड़ते हैं तुम्हें। और वो भाभी कहे कुआ में कूद जाऊंगी, कहे गो भाभी कहे कुआ में कूद जाऊंगी कहे। अबो अबो मेरे को तो चंचना दिखो, भैया को भी मार रही थी गो, ऐसा पूरा बाल वाल ऐसा पिंज डाली थी बाबू। गोविंद को पिंकी ने मार दी। आओगो और पिंकी गोविंद कुछ नहीं किया उसने क्या? अरे उसने भी किया लेकिन उन्हें क्या बताऊं बाबू। तू कहां कहां लड़ तुम लड़ी कहां हुई? इनकी खेत में हुई है। किधर कौन से अपने खेत में? वो पीछे वाले में। अबे वो ठेठ के उखाड़ कर। अरे बाप रे। अब रास्ते में जस्ते से अपने को गिरधारी काका मिला हम दोनों को। गिरधारी को लेके आ रहा था, कहाँ का सही आदमी था, उनने और उन दोनों को भड़का दिया गो गिरधारी ने। हाँ तो उनकी और जम पड़ी तो और एक दूसरे को चपा चप चपा चप, मेरे को तो कैसा लग रहा है गिरधारी ने उनको बिछका दिया। अरे हाँ गो। अरे गिरधारी है ऐसी तैसी कर दी तुमने हमारी यार। मैं नहीं करता बिल्लो से शादी अब। मैं तू अरे बिल्लो को छोड़ यार, मैं नहीं करता बिल्लो से शादी अब। वो बिल्लो बिल्लो तू जान रहे भैया, वो गिरधारी ने ऐसा क्यों किया? और गोविंद कहाँ पे अभी? गोविंद भी क्या मालूम, वो भी क्या मालूम, वो उधर गया। पिंकी क्या मालूम, वो तो कुआ खुद जाऊंगी कहे गो। अरे यार जम के हो गई क्या? अरे बड़ी जम के हुई बाबू, बड़ी चपा चप चपा चप पूरी बाल पिंजी। वो तो भाभी ने अच्छा हो गया पटकी नहीं, तो ऐसा उठा ली थी चंगा को। अरे बाप रे बाप, पूरा घर बर्बाद हो गया रे ऐसे में तो। सुने अपना तो पूरा घर बर्बाद यार, मैं बड़ा खुशी मना रहा साला। मैं सुने कि यार सुबह से अपने तू यहाँ काय की खुशी मना रहा है को? अरे यार मेरा खेत, तू भी खेत नहीं आता उधर। अरे तो मैंने कहा कि अरे गया था उस दिन, मैं नूना भी खड़ी किया था मैंने वहाँ पे, लेकिन मेरे को मिल गया वो पटेल तो बीड़ी पीन चलेगा साला। मैं क्या बताऊँ, चले गया इधर लड़ाई हो गई वो। अरे टॉप आपका कैसा करेंगे टॉप? भाभी का तो पूरा गाल ही भूल गया होगा बाबू, बड़ी जोर से मारा चंचन आके भैया ने। एक काम कर सुन पिकिया, ओरे पिकिया तू एक काम कर। क्या गो? तू वो कब भागी? वो अभी 15 मिनट पहले की बात है। अरे तो
नहीं सुने, एक ही बात मेरे को बुरी लगी बाबू, वो कहे कि कुआं में कूद जाऊं, कहे न तेरे बाप को न तेरे भैया को न तेरे को फंसा दूंगी, कहे वो मेरे को फंसाएगी, तेरे बाप को खड़ी भाषा में बोल रही थी वो, गोविंद ने मारा उसको, गोविंद को ना गिरधारी भी कहे तेरा बाप फंसेगा, कहे इसमें कहे वो गिरधारी क्या स्टेशन मेरा दिमाग होगा तो मैं खराब, मार दूंगा बेटे को, पढ़ रहा हूँ मैं आज उधर लगाता हूँ गिरधारी को फोन, ऐसा कैसे हो सकता है, गिरधारी टूटो मेरा दोस्त है भाई, अपना पूरा घर टूट जाएगा बाबू, कौन मेरे रहते हुए किसी की हिम्मत नहीं तोड़ रहे भाई, बनवा सेठ की बहुत इज्जत है सुन, और पहचानी बहुत है मेरी, तू अगर जेल चलेगा तो मेरा क्या होगा बाबू, का जेल में वो बोल रहा था गिरधारी, तेरा बाप भी जेल जाएगा, गोविंद भी जाएगा, ऐसा बोल रहा था, तो गोविंद जाया मैं थोड़ा मारा उसको, और मेरे को बोल रहा था तेरे को दिमाग नहीं, तू बच जाएगा, तू इनके चक्कर मत जाए, बोले घर भगा दिया बाबू, और दो चाटे उनने भी मारा मेरे को, किन्ने पे गिरधारी ने, उसकी ऐसी तैसी उसकी कहां मिलेगा, मैं गिरधारी बेटा तू डंडा फेंक के मार दूंगा उसको, मैं खेत तरफ ही मिलेगा, उधर उसका फोन लगा दे मेरे को, बड़ी जोर से मारा मेरे को दो चाटे, ऐसी इसकी मेरे लौंडे को मारा, वो गलती उनकी शोका को मारा होगा, मेरे को जेल जाने बात करता है वो, क्यों रे गिरधारी टूटे टूटे फोन तो लगा दे रे, अबे अरे गिरधारी तू डाई ने सुनता इन्हें फोन मार रखा गिरधारी में, गिरधारी सुना ना है, अरे बाप ये तो बहुत बड़ा मामला होगा, रिपिया कैसा करेंगे अपन, अब कैसा करेंगे बाबू, तू भाभी को बचा ले कैसे भी करके, नहीं तो सबको फंसा देगी को, अरे बाप ऐसी मुसीबत तो मैंने कभी जिंदगी में सुना नहीं, बाप की मेरी अच्छी हंसी खेलती है, अरे यार लेकिन गोविंद तो अच्छा हंसता खेलता है यार कुछ लाख में यार, अरे वो भी आना है बोलता है कभी कभी भाभी को, तेरे को बताया नहीं मैंने लेकिन अभी तक उसको कई बार गाली दिया है, बुड्ढे की पसंद की है मेरी पसंद की नहीं है, अरे दादा दादा सुन तो एक काम कर, सुन तो तू पर बंद कर, एक काम कर अपन चलते खेत की, कौन से खेत में, अपने अमली खेत में नहीं, अमली खेत में चल 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 सुन, लेकिन अमली खेत में नहीं है, वो आ गए लड़ते लड़ते इधर, भैया दौड़ा था पीछे मार रहे, उधर रास्ते में भेजा मार रहा है भाभी को, किस साइड गए वो लोग, वो उधर गिरधारी घर तरफ से सीधा गए थे दोनों, की ऐसी तैसी, चल चल तू मेरे साथ चल, तू पहले सुन तो, तू पानी पी ले, पानी पी ले, तू पानी पी ले, नहीं पीता पानी बाबू, अरे पानी पी ले, तू थक गया तू, भाभी कुछ भी कर लेगी तू, जल्दी चल, तेरे को ही मार रहे, देख एक बार आ गया इसकी इसकी, ये देख यहां पे मार रहा था चंचना, अरे रुक जा रुक जा, तेरे को किधर था गिरधारी मार रहा था, जोर से मार रहा है, मेरी दाढ़ी उगती कि नहीं क्या मालूम, हिम्मत कैसे हो रही, अरे तू चड्डी तो पहन, वो तो पहन लेगा चड्डी में आएगा क्या, अरे इज्जत तो वहाँ नीलाम हो रही, चड्डी को क्या करूंगा मैं पहन के, चल तू ये गाड़ी किसकी वाली, टाइम मांगा इसकी भाई, चल भगा इसकी ऐसी कैसी इसकी, वो फार्म में कोई मुर्गी लेने आया होगा, तू चल तो इनकी ऐसी कैसी, इनकी हिम्मत कैसे हो रही, तेरे को हाथ लगाया उसने बहुत सुनिया, बाबू चल तू न, भाभी को मेरी चप्पल भी उतार उतार के मार रहा है उसने, अरे उसकी ऐसी कैसी, मैंने छोटा उसको, अपने यहाँ का गोविंद भैया भी कम नहीं है, तू चल 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 अरे बाप रे बाप, चार पांच घंटे ढूंढ रहे हैं उनका, पढ़ रहे नहीं मिले, इनकी ऐसी तैसी इनकी लड़ाई तो उनने कर रहे, टेंशन हमको हो गई यार, नहीं मेरी साला नंगे पाव बने आटा नहीं घुमा इसकी ऐसे देख, काका तू टेंशन मत लेने का, अरे बाप कट्टा कर गया मेरे को रे, टेंशन मत करवा दे काका, अरे बाप क्या नाटक करे रे बनवारी, तेरी जिंदगी को नहीं प्रभु कुआ में गया था, नहीं मेरा बीपी बढ़ रहा है, कहाँ गए होंगे गो, मेरा बीपी बढ़ रहा है रे, पी क्या अच्छा टेंशन मतलब बाबू मैं हूँ ना अभी, अरे लेकिन क्या रे पुलिस वुलिस केस हो जाएगा तो कुछ नहीं होता ना, तू नहीं पता ना को, देखने कटे हैं कटे आराम से भैया आराम से, अरे बाप लेकिन कहाँ गए होंगे वो बाबू, अरे यार मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है गो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भैया तूने, अरे अगर मान लो ढोकर से उन्हें अभी जानो कुछ कर दी बहू ने, तो मैं तो गया साला, मैं तो इतनी अच्छी मैंने इज्जत कमाया पूरी उसकी, ऐसी ऐसी हो जाएगी ना सुने, नहीं होती ना गो, कुछ नहीं होता ना, नहीं मारते हैं बड़े जीवन, बैठ, अरे बाप पानी लाओ काका पानी, अरे पानी क्या पीऊंगा रे, पूरी ऐसी टैसी हो गई मेरी सुने, अरे पी क्या क्या गो, कैसा करेंगे अपन अब, अब कैसा करेंगे बाबू, अब किसको बुलाएंगे, अब एक काम का सुन तो, मोहल्ले के चार आदमी बुला लेते हैं अपन, काका उनको बुला लेते हैं अपन, बुला लेते हैं कुर्सी ला लेते बेटा तू बैठ बैठ रहे, हे भगवान क्या बताऊँ ऐसे दिन देखूंगा मेरे को ऐसा नहीं ठहरे सुन तो, फिर क्या हाँ बाबू एक काम करते हैं, बोल मैं शमजी को फोन करता हूँ, हाँ करो करो उसको बता, कम से कम शमजी को फोन करता हूँ मैं तुम्हारे घर में,
हाय हो गया उस घर में तो नहीं गई कहीं। बाकी बेटे कहाँ गए होंगे को? अरे यार लड़ाई करे भी तो करे इनकी, ऐसी ऐसी मारा पीटी क्यों किया होगा इसने गोविंद ने? अरे बड़ा मारे हो, उठा उठा कचर दी बाबू, यहाँ तक कि मैंने गोविंद भैया की शर्ट पहना था ना, सब आप फाड़ फूड कर डाले उसको ना, मेरे को बनियान में कर दिए बाबू। चुप जा अपने फोन लगा रहा हूँ। मैंने भी कहाँ कहाँ ने ढूंढा को। अरे इसके बाप का मोबाइल ही बंद है यार, की ऐसी ऐसी इनकी कुछ सुने पीड़ा नहीं है इनकी सुने। नहीं नहीं सुन तो मेरी बात मान। अरे पिंटिया अपन गाँव के अपने मोहल्ले के पहले वो जो है नी वो सूरज टेंट के यहाँ चल जा, बैठ नाट को बुला ले। सबसे पहले कोटवार को बता देते हैं ना को, आगे वो मेन रहता है ना को, फिर मुकदम को बता देंगे। अरे यार पुलिस केस बन जाए, कोटवार को बुलाएंगे अपन यार, पुलिस केस बन जाएगा ना यार, गांव वाला केस है ना को, नहीं बनता ना को। अरे कोटवार पुलिस का काम कर देगा ना, बता देगा थाने में रिपोर्ट कर देगा तो साला मैं जेल चल जाऊंगा। मैं इतनी उम्र में मैं अभी तक मैंने थाना कोर्ट करे नहीं मैंने गया। अरे तू नहीं जाता ना को, तू टेंशन क्यों रहता है, वो अपना आदमी है वो। क्या बताऊं साला, तू एक काम कर यार, फिर भी क्या क्या गो, तू मुसीबत को बुला के ला। अरे सब यहाँ मुसीबत को भगाते हैं और तू मुसीबत को ले क्या कहता है गो? ऐसी कैसी तेरी मुसीबत, मुसीबत सेठ बे। हाँ मुसीबत सेठ, मुसीबत कहते थे सेठ आदमी हो यार, उसके उसका जिंदगी का अनुभव उसको, उसने कई ऐसे मामले सलटा दिया उसने पूरे ऐसे मामले। मुसीबत काका तेरा सही रहेगा सुने। अपन मैं तो कहता हूँ सुन, अपन ने इतना कर लिए ये मुसीबत सेठ है अपने गांव का, इसकी बात सब अपने गांव में मानते हैं, तो मैं कहता हूँ उसको अपन बता देंगे कि देख भाई हमारे घर ऐसा ऐसा कांड हो गया, हमारी गलती उसमें एक भी नहीं है ना, हमारी बहू जो है वो कुआ कूद जाम करके चले गई है ना, वो वो वो, वो गोविंद ने उसको मारा है ना, इसको भी मारा है, मेरे को भी मारा है, और गिरधारी ने जो है वहाँ पे पूरी चिरान फैलाया है उसमें, मेरे को तो तीनों ने मारेगा, गिरधारी को मारा, गिरधारी ने भी गिरधारी चिरान फैलाया। तो भैया देखो हमारी गलती नहीं, बैठे घर में बैठ के मैं नाच रहा था, इन्हें वहाँ खेत में नाच करे मेरे क्यों मैं नाचा था यहाँ पे अच्छा खासा, मैं नाचा था हमारे घर में यार, मैंने क्या बताऊँ तेरे को, मैं तो गिरधारी काका को फंसाऊंगा, चाहता तो पूरा मैटर क्लियर हो जाता है यार, गिरधारी को उतनी उम्र हो गई, उसको छोड़ दिया था कि साला ये मामला सल्टा छूट टू करके उसने भड़काया है। अब हम तो मुसीबत में फंस गए यहाँ पे, मैं कुछ अच्छा बोल रहा था तो मेरे को ही मारा उनने। सुन मेरी बात, तू एक काम कर, तू बैजनाथ को बुला, सुखचंद को बुला, अपने क्या कहते हैं मुसीबत सेठ को भी बुला, मुसीबत सेठ पूरी मुसीबत का हल कर देता है वो। सुन रहा तू, अपने गांव का जाना माना आदमी है वो, पैसे की कमी नहीं उसके पास में, सुन है वो बहुत बड़ा आदमी है, और उसको न्याय के मामले में तो उससे अच्छा तो मेरे बाद उसका नंबर आता है, मैं ज्यादा अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन घर की बात फंस गया मैं। अब ना भाभी ऐसा कहे, तुमने तुम्हारे बाबूजी ने दो अंडे निकाल दिए कहे ना, मेरे सिर में फूट रहे हो कहे, अब वो ऐसा बोल रही थी, मतलब गोविंद पी के अंडे हो गए ऐसा बोल रही थी, तो वो फिर देख मेरा फिर खुल जाएगा नहीं, मैं उसको अनशन बोल दूंगा, फिर मेरे घर भर को जेल पहुंचा दूंगी भी कह रही थी वो। कौन? वही तुम्हारे बाबू ने यही सिखाया है, क्या ऐसा सिखाया, क्या वैसा किया, क्या ऐसा, तेरे को भी गरम हो रही थी वो तेरे ऊपर। बेटा कहना सुन, बनवारी के चार गांव में इज्जत है तू, अंडे वाली बात देखना बे, तू ना मेरा भी दिमाग खराब हुआ, मैंने बोला मैंने कहा दिमाग कम है लेकिन मेरे पास ताकत बहुत है, ठंडा ही कर दिया था गोविंद भैया को मैंने, वो भी डर गया होगा मेरे से। रुक जा। तो मतलब अपना कुछ नहीं होने का, क्या है ना सब सुना है, अपनी बात रहेगी। एक मिनट सुन मेरी बात, अभी आज रात नहीं बीती है, आओ मत बुला तू मुसीबत को आज, आओ सुन तो मुसीबत को मत बुला। पर क्यों गा? अरे तो अभी कहीं शाम तक पता लगता लग कहीं धोखे से वापस आ गया गोविंद, मान ले अगर गोविंद आ गया मान ले अपने घर में वापस, तो पिंकी अगर कोई लफड़ा हो भी गया तो भैया उसको अभी आन दे, नहीं तो अभी सब मामले में हो सकता है कि कुछ लफड़ा हो जाए अभी। नहीं 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 घर की बात घर में रखो अभी, सुने तू अभी शांत रहो। और मेरे हिसाब से ना तो मेरा जो दिमाग कहता ना बाबू, वो नहीं चाहे ना तो मेरे लिए अच्छा है, 16 एकड़ का मालिक तेरी है, तेरी। अभी वो घर से बाहर हो तू ऐसी बात करता है भाई ना, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो दूर ही से देख रहा था, लौंडा है मेरा वो, मेरा खून है वो, घोसले का तू फालतू बात नहीं करना, तुम दोनों का पूरा अधिकार है भैया, वो अपना बे 60 एकड़ तेरी जमीन है, 60 एकड़ उसकी जमीन है, 2 एकड़ मेरे हिस्से में रहेगी बाद में। नहीं वो मैं काय के देख रहा था को, छोड़ो यार पहले क्या करना है, जमीन की नहीं यार, फालतू बात करना ना यार, गोविंद तेरे भाई है ना भाई, अब वो कल की आई बहू ने लफड़ा कर दिया ना, अब क्या बताऊँ मैं, सुनता तूने भी तो कैसी पसंद किया था तो क्या बताऊँ तेरे को, अब
अरे तो मेरे को क्या मालूम था, इसीलिए तो कहता हूँ मैं अपनी मर्जी करूंगा। क्या रे, मेरे को तो उसके सुने, मैं तो उसको मैंने फाड़ कर दिया था यार, क्या बताऊं जरा। वो नेकराम भाव ने नहीं, इसकी ऐसे नेकराम वहां से उठे ही नहीं फलदान के दिन, वो देखने वाले दिन। तू गिरधारी के साथ भी तो गया था? अरे गिरधारी नहीं, मना किया था मेरे को यार, क्या बताऊं। गिरधारी कहे कि भाऊ इससे अच्छी अपन गए थे नहीं वहां पर सहला वाली, वो अच्छी चीज कहे तू इसको मत मांगे। लेकिन वो नेकराम जो बैठा तो उठा ही नहीं, कहने लगा अच्छी ऊँचे पूरे करकी है, काम भी बाम करेगी, कहे बुलाना जा बुला वो नेकराम को। अब वो नेकराम है तो क्या, उसने नेकी क्या की हमारे साथ में, हमारे तो एक्सटेसी कर दिया उसने। नाम देखो नेकराम और काम देखो कर दिया उसने, तू ही कर ले शादी उससे। अरे साला क्या बताऊं, कहां के कहां माने उसको, मैंने बेकार मांगा यार। सुने गोविंद भी कहे मेरे को नहीं मांगते बाबू। अरे सब कुछ ठीक है बाबू, लेकिन अपनी बाई का मरना गलत हो गया गो। इसमें बाई का कपड़ा कहाँ से आ गया? बाई नहीं मरती तो कहाँ शादी करते उसकी गो? तो करना तो पड़ता ही ना यार, बताना भी तू उसको। आजरी कल तो करना पड़ता है। तो थोड़ा लेट करते, अभी बाई रही रही थी। लेट करते तो पिंकी की शादी किसी और से हो जाती। हाँ। गोविंद अपना कहीं और चीज पक जाता, कम से कम अच्छी बहू हो जाती। अरे यार इसी बाबू उसका रोब नहीं देखा तूने? मैंने पहली बार देखा कल ऐसा, बिल्कुल मैं भी आखिरी हूँ कहे, मैं भी मार दूंगी। अरे बाप, मैं भी आखिरी हूँ कहे, हल्के मत लो कहे, पूरे परिवार को पूरा ऐसा करी, पूरे परिवार को 36 लाख की बिल्डिंग दिखा दूंगी, ऐसा वैसा। मैं तो दूर से भेजा सुना उनकी, पहले उसके पास 36 लाख की बिल्डिंग। अबे जेल को कहते हैं भाई, जब एक दूसरे जेल को कहते हैं 36 लाख की बिल्डिंग ना बाबू, जब एक दूसरे को कचड़ा कुचड़ी करे ना उन्हें, जब गया मैं बीच में। अरे यार तेरे को मैं जानता ना बैठने के लिए। अरे तो मेरे को क्या मालूम है, मेरे को लगा इनकी तो ऐसी हर दिन होती रहती है, मैंने कहा मारपीट नहीं होने की। उसका कहना भी सही है, पटका पुटकी पटका पुटकी, ऐसा बाल देख ऐसा बताता हूँ, ऐसा ऐसा मार कर ऐसा बता रहा था को तो उसको मारा भी गरीब को पूरी बाल पींजा काम कर दी। जो मामला हो गया हाँ, अब तो हो गया तीर जो है कमान छूट गया है, लग गया घाव भी कर दिया। अब इस घाव का इलाज देख रही है आज रात भर किसी का मुंह बेटा सुन रहे, तू घर जाएगा तेरे बोलने काका। हाँ तू हमारे घर में काम करता है, देख तू बोलना मत किसी को, किसी को नहीं बोलने का कि ऐसा हुआ बनवा सेठ के। घर की बात है ना को? हाँ घर की बात है ना, तेरे घर जा तेरे को मैं खिलाता पिलाता हूँ, तेरे को मैं कर नहीं, मैं तेरे को कल मोबाइल दूंगा, छोटा मोटा लग दे दूंगा तेरे को मोबाइल। हां तू बोलना मेरे को, तू मेरे को अबे तो अपन दोनों चलाएंगे ना मोबाइल पे। आओ तेरी ऐसे सुन तो, किसी बोलना मत, आज रात की बात है। मैं हिसाब से मैं उससे मिल के आता हूँ, मुसीबत से उससे बीच की हमारे बीच की बात है, मेरा मुसीबत अच्छा दोस्त है। लेकिन एक बात बाबू, मैं तेरे से सॉरी बोल के गलती माफी मांगता हूँ गो, मैंने तेरे को अभी तक बहुत परेशान किया कि मैं बिल्लो से शादी करूंगा, बिल्लो से शादी करूंगा, मारना मत बाबू, पर अब नहीं करता बाबू मैं। अरे तूने, अरे तो बिल्लो से अब तो तू अब तो गई दोस्ती खत्म मेरी ना उससे यार। अब यार देखना भी पसंद नहीं, तू जाके लाइन मार मेरे को। आप सुन काका मैं कर लूं, सुन कौन मैं कर लूं काका शादी, तू आ सुन, तू खुला यार तेरे इसी है ऐसी, अभी तक दोस्ती में दरार वाली बात थी, अब दरार हो चुकी है तो खुला रे। नहीं मैं पर अब मेरी दिल की इच्छा नहीं बाबू, ऐसी हमारा घर फाड़ा उसने, नहीं तू फाड़। मैं नहीं फाड़ा, मैं नहीं फाड़ता गो, कुछ नहीं करता, कोई बात नहीं तो खत्म करो मामला, खत्म बिल्लो खत्म। अब बिल्लो की कहानी पूरी खत्म कर देते हैं अपन, और अब मैं अब दूसरा जुगाड़ देख लूंगा। कब दूसरा जुगाड़? अरे यार जुगाड़ टुगाड़ मत कर, सुन मेरी बात, तू एक काम कर, ओए हां काका मैं आटा मुसी बात के यहां से, तू चटनी प्याज कुटी बना, आज वैसे भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, टेंशन दिमाग में मेरे को क्या आएगा गो, अरे तो मैं आके बना दूंगा ना यार, तू तो काटा कब? मेरे को आता तो नहीं पर बना लेंगे हम, तुम दोनों बनाओ जो लगता है, मैं उसी बार यहाँ से आ रहा हूँ, मैं भी आता हूँ काका तेरे साथ। काके बे मैं भी आऊंगा बाबू, कौन बहुत ताकत बाबू, मैं भी आऊंगा गो, कौन मैं भी आऊंगा मुसीबत सेठ के यहाँ। काके बे वो मेरा मामला है, तू नहीं समझ मेरा मामला, मारी मारूंगा तेरी तेरी में। हाँ नहीं ना गो मैं आ रहा हूँ, अब मेरा वहाँ जाना जरूरी बन गया बाबू। कौन देख क्या पी क्या, मैं तेरे को पहले बोल तू खाना बना, तू मेरे को भूख लगी इसकी तो थोड़ा खाऊंगा ना मैं। गिरधारी काका मेरी नजरों से गिर गया, मतलब मेरे को मुसीबत सेठ के यहाँ जाना जरूरी बन गया ना गो। तो तेरे को लिया हुआ तो मुसीबत कल अपने घर में आएगा ना, तू मेरी बात नहीं समझ रहा है गो बाबू। तू क्यों लड़ रहे हो यार, मुसीबत अपने घर में आया काका, मैं तिल्ली चटनी बना के रखता हूँ, तू जो बनाना पड़ना मैं थोड़ा खा लूंगा। डंडा दे दे तू, इतना बुड्ढा भी नहीं हुआ ना गो। अरे तो मिला मैं गिरधारी दिया, मैं कंटा मार ही डालना बाबू, जो होगा आप तो जाना ही जाए बाबू। पहन लो क्या को? नहीं नहीं तू जा बाबू, ऐसे ही जा, तभी तो समझ में आएगा उसको कि मुसीबत में है। पजामा लो यार बाबू। अरे नहीं गो तू जा गो, ऐसे ही जा, कोई दिक्कत में कमी नहीं है, तू जा तू खा। मैं बिल्कुल एक नंबर खाना बना के रखूंगा बाबू, तू टेंशन मत ले। आटा हूँ आटा,
मुसीबत हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, जल्दी आता हूँ। तू खाना हाँ, हाँ, हाँ। मुसीबत मेरे को मुसीबत से तू बाहर निकाल दे। मेरे लौंडे ने आज बहुत बड़ा गेम, मेरे लौंडे गलती नहीं है यार, मारा पीटी तो होते रहती। चल सबके खाते कहानी इसकी ऐसी ऐसी, मेरी बहुत लफड़ा करी होगी सुने। ये लड़ाकू खानदान की थी, इसको नहीं मांगता कहता मैं नेकराम, इसकी ऐसी तैसी नेकराम ने मेरे को फंसा दिया। चड्डी में जाऊँगा मैं, क्या करूँगा अब इसकी ऐसी तैसी इसकी। मैं आता हूँ अब उसको कहूँगा मैं कर दे यार। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? भाई वीडियो जैसा भी लगाओ, जो स्टार्टिंग पॉइंट है बनवारी सेठ का डांस, मतलब कि मेरा डांस, मैं हूं आपका बनवारी सेठ, तो भाई उसको जो है जितना हो सके फैला दो, मतलब हर जगह फैला दो उसको, बस इतना कर दो। अब रही बात टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि क्या पिंकी और गोविंद मिल पाएंगे? अगर वो मिल भी गए तो क्या वो उस घर पे रह पाएंगे? भाई बातें बहुत सारी हैं, इन बातों का जवाब जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा हमारे 5 तारीख के वीडियो में। बाप मतलब मामला जो है वो बहुत ही खतरनाक वाला है, तो भाई आप वेट करिए और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो सबसे पहले, तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, कर लो ना, क्या तकलीफ हो रही है? सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और मिलते हैं 5 तारीख को सुबह 11 बजे। बाय बाय।